ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। अकेला ही फौज के बराबर। We have to get this stop. इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कॉल टाइगर। भरोसा भी है, हिम्मत भी, और ताकत और पागलपन। टाइगर कैसे करेंगे सबको इम्प्रेस? शूटिंग लोकेशन में मेकर्स ने कैसे डाली जान? लायन के कैसे उड़ेंगे होश? नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। चीते की चाल, बाज की नजर और टाइगर की हिट फिल्मों की दौड़, दोनों पर ही सवाल करना बेकार है क्योंकि लास्ट में आपको ही नुकसान होना है। उसी दौड़ को बरकरार रखने के लिए भाईजान वापसी कर रहे हैं अपनी फिल्म एक था टाइगर के सीक्वल के साथ, सीक्वल टाइगर 3 को लेकर। फिल्म पहले से भी ज्यादा मजेदार होगी क्योंकि भाईजान इस नई फिल्म के नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए नई नई तरकीब सीखते हुए नजर आएंगे। जैसे हर गेम में हीरो अपनी सुपर पावर्स हर लेवल में अपग्रेड करता है, उसी तरह इस बार मेकर्स भी अपने हीरो की सुपर पावर को अपग्रेड करते हुए नजर आएंगे। उस अपग्रेडेशन के लिए मेकर्स फिल्म में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे, मतलब टाइगर को सुपर पावर देने की जिम्मेदारी मेकर्स के हाथ में है। और सलमान खान भी इस बात से पीछे नहीं हट रहे हैं, उन्होंने भी पूरी तरह से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है ताकि वो लायन को इस जंग में हरा सके। मतलब इस बार लायन को पूरी तरह से सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि हमारा टाइगर सिर्फ जख्मी ही नहीं खूंखार भी बन गया है। फिल्म में इस बार अनसीन एडवेंचर भी देखने को मिलेगा जो आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। फिल्म की शूटिंग इंडिया की ऐसी लोकेशंस पर की जाएगी जो लोकेशंस आज तक सभी के लिए अनजान थी, यहाँ तक कि फिल्म की ज्यादातर शूटिंग इंडिया और इंडिया से भी बाहर ही की जाएगी। लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा फेमस शहर जिसका नाम जुड़ा है वो है दिल्ली। दिल्ली की भी कुछ ऐसी लोकेशंस है जहाँ पर फिल्म की ऐसी शूटिंग होगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। मेकर्स ने लोकेशंस को इस तरह से क्रिएट किया है कि आपको वो लोकेशन बिल्कुल रियल नजर आएंगी, अगर वो फेक भी होंगी तो आप फर्क नहीं कर पाएंगे। मतलब उस अनरियलिस्टिक दुनिया में मेकर्स रियलिटी का भी इस्तेमाल करेंगे और आपके होठों पर भी रियल मुस्कान ले आएंगे। अब तो बस ये देखना मजेदार होगा कि हिंदी सिनेमा की सुपरहिट फिल्म और कितने देशों में अपना नाम कमा पाएगी और कितने शहरों में अपना नाम बना पाएगी। तो आपको क्या लगता है कैसी होगी भाईजान की इस परंपरा का सफर? इस पर हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही चटपटी खबरों का मजा लेने के लिए जुड़े रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें और मुस्कुराते रहें।